हेलो दोस्तों, नमस्कार। विद्या क्रिएटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जीएसटी करंट अफेयर्स को एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे एग्जाम हैं, इवन आईएएस पीसीएस तक की बात करें, एसएससी, बैंक, जीडी, उन सब में जीएस का सबसे बड़ा पोर्शन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका करंट अफेयर्स का। कई सारे मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दे जो आपके एग्जाम से संबंधित है उनकी हम लोग बात करेंगे आज। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, और बड़ा जिसे कहते हैं हॉट फेवरेट टॉपिक है, निश्चित तौर से एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, दो भी हो सकते हैं। बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा है एशियन गेम्स 2023। वैसे 2023 मैंने लिखा है और ब्रैकेट में 22 लिख दिया है। असल में ये 2022 में होने थे, कोरोना की वजह से एक साल आगे बढ़ा दिया गया, तो हम लोग इसको 22 कह सकते हैं या 23 कह सकते हैं। भगवान तो 23 में है तो 23 ही कहेंगे। तो पहले समझते हैं एशियन गेम्स की थोड़ी सी हिस्ट्री। जो एशियन गेम्स होते हैं ये आपके होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में। जैसे ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल है, क्या होते हैं हर 4 साल में होते हैं। तो ये प्रत्येक क्या होते हैं, हर 4 साल में आपके ओलंपिक, सॉरी, ये एशियन गेम्स होते हैं। पहली बार जो फर्स्ट टाइम ये हुआ था, ये हुआ था 1951 और ये हुआ था भारत में। भारत में हुआ था, भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम है उसमें हुआ था। और इसका उद्घाटन, सीधी सी बात है, बहुत बड़ा एक इवेंट है, तो इसका उद्घाटन उस समय के राष्ट्रपति, आप जानते होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1951 में जो थे, उस समय जब ये किया गया था तो उस समय इनको बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप जानते हैं 1950 में भारत का गणतंत्र लागू हुआ था तो राष्ट्रपति का पद सृजित हुआ था। तो 1950 में चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति बन गए थे तो उद्घाटन यहाँ पे 1951 में उन्होंने किया। और एक बार और भी हो चुका है भारत में, दूसरी बार हुआ था 1982 में। 1982। अब उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। तो ये वो, यानी कुल मिला के इंडिया में अब तक 2 बार एशियन गेम्स हो चुके हैं। टोटल कितनी बार, एक बार ये, यानी कुल मिला के भारत में कितनी बार हो चुके हैं, 2 बार हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि एशियन गेम्स भारत में अब तक कितनी बार हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए जीएस का है, करंट का ना, ये करंट का तो की बात है, जीएस का ये बन सकता है कि भारत में एशियन गेम्स कितनी बार हुए हैं। तो जीएस में क्वेश्चन आ जाएगा कितनी बार हुए, तो कितनी बार हुए, 2 बार। अब बात करते हैं 2023-22 एशियन गेम्स, ये कहां हुए। पहली बात तो इसका ये संस्करण है 19वां, झांगझोउ चाइना में एक जगह है, वहां पे हुआ, 19वां है। अब देखिए समझिए, 19वां है तो 18वां कब हुआ था, तो जो 18वां है, 18वां ये हुआ था आपका जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वहां हुआ था। तो 19वां कहां हुआ है, चांगझोउ में, ठीक भाई। अच्छा, भारत ने कुल मिला के 655 एथलीट भेजे थे। कितने भैया, 655। और पिछली बार 570 थे। मतलब जब जकार्ता में हुआ था तो भारत ने जो अपना दल भेजा था उसमें कितने लोग थे, कुल मिला के 570। क्लियर, आगे देखते हैं। इस बार जो एशियन गेम्स हुआ है इसका प्रायोजक कौन थे, प्रायोजक आप जानते हैं स्पॉन्सर, तो वो कौन थे, तो ये है भैया अमूल कंपनी। कौन सी, अमूल, सभी ने सुना होगा, कई सारे इनके बेकरी प्रोडक्ट आते हैं, दूध आता, घी आता, कई सारे
चॉकलेट्स आती हैं, आपने देखा होगा इनके टैगलाइन होती है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो अमूल था क्या, एशियन गेम्स का स्पॉन्सर, कौन, अमूल कंपनी। आगे बढ़ते हैं, इस बार की जो थीम थी, थीम वो क्या थी, थीम थी आपकी दिल से दिल एट द रेट भविष्य। क्या थीम है भैया, देख रहे कितनी स्पेशल है, दिल से दिल एट द भविष्य। थीम क्या होती है, सीधी सी बात, थीम का मतलब होता है एक बेसिक ऐसी चीज जिस पर बेस बना के हम चलेंगे, यानी कुल मिला के भविष्य को कैसे बचाना है, क्या करना है, इन सब के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए थीम रखी गई है। दिल से दिल, दिल से दिल का मतलब जितने भी यहाँ पर लोग या देश खेलने आए, कुल 45 देश थे जो खेलने आए थे, तो वो सब देश आपस में दिल से मिले और भविष्य के लिए एक अच्छे भारत का या अच्छे विश्व का एक निर्माण कर सके, ये होता है। अब आते हैं साहब, इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर, शुभंकर, तो भैया शुभंकर को ही मस्कट बोलते हैं, लकी मस्कट। क्या होता है, जैसे किसी भी शुभ काम को जब करते हैं हम लोग, तो उसका क्या होता है, एक सिंबल बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में लोग सिंबल ऐसे बना देते हैं, है ना, सतिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक सिंबल बना देते हैं, तो उसी तरह का एक सिंबल होता है। तो इस बार क्या हुआ, सिंबल में यानी शुभंकर तीन थे, एक था आपका चेन चेन, एक था आपका कॉन्ग कॉन्ग, और एक था आपका लियोन लियोन, लियोन लियोन। ये तीन हैं, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन, ये हैं क्या असल में, ये तीन एक रोबोट हैं कार्टून टाइप में, ये वो रोबोट हैं। मतलब बताया गया कि भविष्य में आप देख ही रहे हैं, उसमें एक शब्द नाम बड़ा चर्चा में रहता है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो रोबोट हैं, ये भविष्य बताने वाले तीन रोबोट हैं, नाम है इनका, देख लें बोर्ड पे लिखा हुआ है, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियोन लियोन। तो ये तीन है, ये इसका भैया शुभंकर है। ठीक, एशियन गेम्स के जो शुरुआत है या इसके जो प्रणेता है, जिन्होंने इनको शुरू किया, वो माने जाते हैं हमारे गुरु दत्त सोनी साहब। '48 में ओलंपिक हुए थे, उसी ओलंपिक में ये हमारे गुरु दत्त सोनी साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना एशिया के देश, जिसमें उज्बेकिस्तान भी है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, उन सभी देशों को मिलाकर भी एक खेल की प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, तो अब बात करते हैं हम लोग आगे की। ये तो हमारा एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स। यहां 23 लिख दिया आपके बारे में, में होना था, ठीक है, चलिए 2022, इसीलिए बार बार लिख रहे ताकि कोई ये ना कहे कि 22 भी और 23 क्यों लिख रहे हैं, 23 में हुआ है लेकिन होना था 2023। ठीक भाई, देखते भाई, तो हमने आपको क्या क्या बता रखा है, देखें भाई, तो हमने आपको बता रखा प्रायोजक कौन है, इस बार 19वां है, भारत में कुल मिला के इतने एथलीट गए, पिछली बार 570 थे, प्रायोजक अमूल हो गया, थीम हो गया दिल से दिल तक एट द रेट भविष्य, शुभंकर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कराती कौन सी संस्था है, तो इसको जो कराता है वो है आपका एशियाई, एशियाई ओलंपिक, ओलंपिक परिषद, यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और इसका जो मुख्यालय है, फिलहाल मुख्यालय जो है वो है आपका कुवैत सिटी में, कुवैत सिटी में, कुवैत सिटी में। ठीक है भाई, अच्छा समझिएगा, अभी हमने आपसे बताया
कि 18वें जो हुए थे, 18वां वो हुआ था आपका जकार्ता में, जकार्ता में, और ये 19वां जो है, 19वां ये जो वर्तमान वाला है ये चाइना में हो रहा है, या चीन कह लो, जो कह लो, झांगझू कह लो, है ना, झांगझू, ठीक भाई, ये हो गया चाइना, ये वर्तमान चल रहा है। और 20वां तो 20वां होना, ये होना है कहां पर, जापान। अब यहां पे समझिएगा, ये जो जकार्ता में हुआ है ये 2018 में हुआ था, तो 4 साल बाद होना चाहिए 2022 में, 22 की जगह हमने कह दिया 22 में होना था, हुआ 23 में कोरोना की वजह से, तो ये 2023 हो गया। अब अगर देखा जाए हर 4 साल में होते तो आप कहोगे 2023 के बाद 27 में होगा, फिर आप एक चीज समझिएगा, फिर 27 में होगा, 27 के बाद 31 में होगा, हर साल क्या करना पड़ेगा हमको, एक एक साल बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक साल का तो कैलेंडर बेकार हो गया, गड़बड़ हो गया, अगली बार गड़बड़ ना करो, तो इसको वही रखा है 2026, यानी ये मान के चल रहा है 18 ये है, यहां 22 होना चाहिए था 26, और जो 21वां होगा, 21वां वो हमारा होगा दोहा, कतर की राजधानी दोहा, आप जानते, नाम सुना होगा आपने दोहा, ये होगा 26 4 30, और 4 साल में होना है 2030 में होगा, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल जो है, सिंबल, इसका जो सिंबल है वो आपका एक तरह से सूरज है, उगता हुआ, यानी राइजिंग सन, ब्राइट रेड राइजिंग सन, चमकता हुआ लाल, रेड कलर का बड़ा सा, जैसे कहते हैं ज्वलंत टाइप दिख रहा हो, है ना, वैसा, तो रेड कलर का है, तो वो इसका सिंबल है, वो इसका सिंबल है। अब आते हैं हम लोग आगे, किसी भी प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो यानी कॉमनवेल्थ हो, या एशियन गेम्स हो, एक परंपरा होती है। परंपरा क्या होती है कि जितनी भी टीमें सब जब आ जाती हैं तो पहले दिन क्या होता है, उद्घाटन, ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से मैच चालू हो जाए, गेम्स चालू हो जाए, ऐसा नहीं। क्या होता है कि जितने भी देश हैं उन सबका एक एक जो दल होता है, जितने लोग आए, जैसे इंडिया की तरफ से इस बार जो है, जो भारत तरफ से सबसे बड़ा दल गया है, तो 655 लोग चले गए, तो क्या होगा, उनका दल आएगा, और जितने भी देश हैं सबकी अपनी अपनी टीमें होंगी, वो लोग मार्च पास्ट करते हैं स्टेडियम में, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, ये एक परंपरा है। और जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है, एक या दो लोग भारतीय दल की अगुवाई करते हैं, एज ए लीडर वो आगे रहते हैं, जो अपने अपने कंट्री का जो फ्लैग है, झंडा है, उसको लेके आगे चलते हैं। बड़ा सम्मान की बात होती है, सोचिए कहीं पर रैली और हमें अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो हम दल में हैं, लेकिन हमसे कहा जाए कि आप फ्लैग वियरर बनेंगे, मतलब सबसे आगे आप ही चलेंगे, आप ही तिरंगा लिए होंगे, एक बड़े सम्मान की बात होती है। तो ये भी किसी ना किसी से कराया जाता है, अधिकतर आप, सीधी सी बात है, इतने लोग हैं, कराएंगे किसको, तो सीनियर को, या जिसने लास्ट किसी खेल प्रतियोगिता में, कॉमनवेल्थ में, या ओलंपिक में, या किसी भी जगह कोई बड़ा प्रदर्शन किया हो, तो उसको रखते हैं। तो इस बार जो हमारी स्टार्टिंग थी, यानी स्टार्टिंग में तो जो फ्लैग बेयरर थे, इसको बोलते हैं ध्वजवाहक, ध्वजवाहक, वो दो लोग थे, एक तो थे भैया हमारे हरमनप्रीत, हरमनप्रीत कौन है भैया, ये इंडियन नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन हैं, तो हम हॉकी टीम लिखे दे रहे थे, हॉकी टीम, ये हॉकी टीम के कैप्टन थे। और दूसरा नाम बड़ा फेमस, लवलीना, ये भैया हैं आपकी बॉक्सर, याद होगा जो ओलंपिक हुआ था पिछला ओलंपिक, उसमें सबसे पहले दिन इन्होंने ही मेडल जीता था, तो मुख्य बात, तो इन दोनों लोगों ने फ्लैग वेयरिंग का काम किया। और जो स्टार्टिंग हुई, ठीक है, स्टार्टिंग के बाद जब गेम्स खत्म हो जाते हैं तब भी किसी न किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, तो जो हमारा समाप्त वाली था
जब ये समाप्त हुए गेम्स, तो उसमें भी जो ध्वजवाहक थे वो थे हमारे पी श्रीजेश, ये भी हमारी हॉकी टीम के हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं, गोलकीपर है, कैप्टन भी रह चुके हैं, गोलकीपर है, और जिसे कहते हैं बड़े सीनियर खिलाड़ी, बहुत सीनियर खिलाड़ी आदमी, ठीक है ना। तो ये हमारा ओलंपिक सॉरी ये एशियन गेम्स का कुछ आगे की चीजें हैं। और हालांकि कुछ विवाद भी हुए, विवाद ये हुआ कि जैसे हमारे देश में आप सभी लोग जानते होंगे स्टेट है लद्दाख, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख हो गया इधर ये हो गए, तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसके कुछ हिस्सों पर आप जानते होंगे करंट के मुद्दे पढ़ते होंगे पेपर में, कुछ हिस्सों पर चाइना जो है अपना दावा करता रहा कई वर्षों से, और तनातनी की वजह भी यही है। तो कुछ अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी ऐसे भी थे जिसमें इन्होंने कहा कि हम इनको वीजा नहीं देंगे, थोड़ा विवाद हुआ, बाद में वो सुलझाया गया, बात की बात है। और कई नए काम भी हुए इस बार, इस बार कई सारे नए काम भी हुए। पहली बार इंडिया ने या इंडिया की क्रिकेट टीम ने इसमें भाग लिया है, पहली बार इंडिया की क्रिकेट टीम ने भाग लिया, मेल फीमेल यानी दोनों टीमें थी, पुरुष टीम भी थी और महिला टीम भी थी, T20 मैच होते हैं। और किस्मत देखिए, दोनों पहली बार हम लोग गए, मतलब इस गेम में पहली बार थे, और महिला और मेल जो पुरुष दोनों ही टीम में हम लोगों ने गोल्ड जीता है। हालांकि ऐसा नहीं कि गेम पहली बार शामिल हुआ है, ये जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट ये आपका 2010 से ही शामिल है, अब 2010 से शामिल है, लेकिन इंडिया ने उसमें अभी हिस्सा नहीं लिया था। तो इंडिया ने कब से हिस्सा लेना चालू किया, इस बार से का मतलब 2023, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई चीज देखिए, किसी को कहीं कोई जैसे कुछ लोगों को टिकट लेनी होती है तो उसको आप ले लीजिएगा, पहला पेज ये था, फिर से बता दे, पहला पेज ये था जिसमें हमने एशियन गेम्स 2023 की बात की जो 22 में होने थे। हमने कहा ये जो है 19वां संस्करण है, 19वां का मतलब क्या हो गया, 18वां पहले हो चुका है, यह हर 4 साल में होता, पहली बार इंडिया में ही हुआ था, पहली बार जब हुआ तो ये इंडिया में ही हुआ है, एक बार और भी हो चुका है इंडिया में, दूसरी बार का मतलब ये नहीं कि दूसरी बार हुआ, अगर वो तो हर 4 साल में होते हैं, लेकिन कहने का मतलब भारत में अब तक 2 बार हो चुका है, 51 में भी, 82 में भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उद्घाटन किया था यहाँ पे, ज्ञानी जल सिंह ने किया था, यानी इंडिया में हो गया 2 बार। अभी यहाँ आ जाओ, भारत ने 655 एथलीट भेजे, पिछली बार 570 थे, इस बार उससे बड़ा दल है। प्रायोजक कौन है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, थीम क्या थी, दिल से दिल तक एट द रेट भविष्य, और इसका जो लकी मस्कट शुभंकर सुरचित वो था अगर लेना हो तो दे सकते हैं, हम बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने इसमें क्या बताया, और हमने कहा कि एशियाई ओलंपिक परिषद कराती, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती, इसका मुख्यालय कहाँ, कुवैत सिटी में है, 18वां जकार्ता में हुआ था, 19वां अभी हो रहा है चाइना में, 20वां जापान में होगा, और 21वां दोहा में होगा, कतर की राजधानी दोहा में होगा। इसका सिंबल क्या है, द राइजिंग सन, ब्राइट रेड राइजिंग सन। आगे देखते हैं, स्टार्टिंग में जो ध्वजवाहक होते हैं वो होते हैं हरमनप्रीत हमारे सिंह जी, हॉकी टीम के कैप्टन, और लवलीना बोरानरट, आप जानते हैं इन्होंने ओलंपिक में बॉक्सिंग में जीता था मेडल, और ये पहला मेडल इन्होंने जीता था उस ओलंपिक में। और समाप्ति में ध्वजवाहक कौन रहे, पी श्रीजेश, ये हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, गोलकीपर है, और पहली बार इंडिया की क्रिकेट टीम ने भी इसमें हिस्सा लिया, हालांकि क्रिकेट टीम 2010 से शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों के साथ वीजा की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहां पर चाइना भी, और चाइना जानबूझ के देखिए वीजा की प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, ताकि इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आए, ताकि लोग जाने चाइना का हिस्सा कुछ ना कुछ अरुणाचल प्रदेश में है, तो होता ना प्रोपोगंडा टाइप में, तो वो उन्होंने किया था, और कुछ लिखा है नहीं। चलिए अब हम लोग बात आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन कराते हैं,
देखते कैसे होंगे। बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि एशियन गेम्स में, देखिए समझिएगा, अभी बात करेंगे पदकों की। स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात कि पदक कितने इंडिया टीम ने जीते, वैसे आप समझिएगा उसकी भी आपको शायद जगह देखना। गुड मॉर्निंग क्लास, जीते गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए ऑनलाइन बहुत देशों की सभी को हमने केवल बॉक्स में देसी लिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट डालिए। कौन कोई चाइना जापान कोरिया और क्वेश्चन प्रॉब्लम पास को रेट कर दिया है, आप लोग समझ रहे हैं इंडिया की बात है उसकी बात करेंगे वीडियो में, है ना। तो देखिए नंबर एक पर कौन रहा, चाइना को पता है गोल्ड कितने जीते उसने 200, वीडियो में सिल्वर जीते हैं 111 और आपका ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 71। सेकंड नंबर पे रहा भैया जापान, जापान जब इंडिया में पहली बार हुआ था 1951 में तो नंबर एक पे जापान ही था, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जापान ने जीता 51, 61 और 69, 186। कोरिया की कंडीशन ये है, कोरिया रिपब्लिक कोरिया बोलेंगे, साउथ कोरिया बोलेंगे, नॉर्थ कोरिया नहीं है ये, और उसके बाद इंडिया। चार टॉप फोर हमने आपको बताए हैं, कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी ये कैसे हो गया, ये 186 और 186 है तो ये सेकंड पे कैसे आया, ज्यादा तो यहां है। लेकिन हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड मेडल देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड मेडल देख रहे हैं कुछ इसमें। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं संदीप शुक्ला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। असल में ये 52 और जैसा तो 42 59 जोड़ लेना, नो डॉलर गलती हुई क्या, हाँ ठीक है सही है वो 52 लिख गया था बट इसीलिए। तो हम लोग जो ये काउंटिंग करते हैं, जो मेडल टैली बनती है वो हमेशा गोल्ड के हिसाब से बनती है, हालांकि वैसे भी कर सकते थे हम इसको ऊपर लिख देते, लेकिन ऑफिशियली जो इनका वो रहा है उसमें इन्होंने कोरिया को थर्ड नंबर पे दिखाया और चौथे नंबर पे कौन रहा भैया, इंडिया। बड़ा अचीवमेंट था, पिछली बार इतने मेडल थे इंडिया के, मैं संदेश को पिछली बार से लिख आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बढ़ गए सिल्वर, बढ़ गए ब्रॉन्ज, बढ़े टोटल। अब जैसे जो लोग मैथ में तेज होते हैं दिमाग लगा लेते हैं क्या कि 70 का आधा कितना होता है 35, यानी 50%। और देखो ये 35 से भी ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है प्लस 37। अब इसका आधा कितना होगा 35, तो ये 50% से भी ज्यादा है। सोचिए 50% से ज्यादा की ग्रोथ, यानी अगर पिछली बार 100% था तो इस बार 150% प्लस मेडल हमको मिल रहे हैं। तो आप देखिए भैया गोल्ड कितने मिल रहे हैं 28, सिल्वर कितने मिल रहे हैं 38 और 41, टोटल कितना 107। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इससे क्वेश्चन एक तो ऐसे होता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते या सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, तो नो डाउट सामने दिख रहा है चाइना। दूसरा आता है कि मेडल टैली में भारत का स्थान क्या है, तो ये भैया चौथा है। तीसरी चीज, अब इसके बाद जितने भी लोग होंगे नीचे उज्बेकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया, उन सबके मेडल 100 से कम है, ठीक। चौथी चीज, भारत पहली बार किसी मेडल टैली में एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा पदक लाया, अभी तो पहली बार हुआ है कि 100 से ज्यादा पदक हो गए है, तो ये सेंचुरी मार दी, कोई बात नहीं बढ़िया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत का स्थान क्या था, चौथा, और कितने देशों ने, कुल कितने देशों ने 100 या 100 से ज्यादा पदक हासिल किए, बस ये चार ही देश हैं, 1, 2, 3, 4। क्लियर भाई, इससे क्वेश्चन कैसे भी अप्लाइड बन सकते हैं। मेडल टैली में इंडिया कौन नंबर चौथा, कितने गोल्ड जीते 28, टोटल पदक कितने थे 107, कितने देश ऐसे थे जिनका मेडल टैली में जिनको टोटल मेडल 100 से ज्यादा मिला, तो ऐसे देश कितने थे 4। अब यहां समझिएगा,
कायदे से तो जितने भी लोगों ने मेडल जीता उनके विषय में बताना चाहिए, लेकिन आप सोचिए 107 मेडल के विषय में बताना एक थोड़ा सा टफ काम भी है, और चलिए टफ काम तो चलो देख लेते कर लेते, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेनिफिशियल नहीं है। जैसे आप जानते 26 जनवरी में अनाउंसमेंट होता है किनको मिलेंगे पद्म भूषण, किनको मिलेंगे पद्म भूषण, किनको मिलेंगे पद्मश्री। अब पद्मश्री हमेशा कितने होते हैं, 90, 100, 120 तक पहुंच जाता, तो एक एक का नाम आप याद कैसे करेंगे और पढ़ाया कैसे जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें केवल पद्म विभूषण है ना या भारत ऐसे नाम रखते हैं। यहां भी हमने वही किया है कि गोल्ड मेडल की बात की है, तो देखते हैं भैया गोल्ड मेडल, चलिए देखते हैं गोल्ड मेडल की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला गोल्ड मेडल हमको मिला शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में। ये सारे टीम गेम है, इसमें कुछ आपके पर्सनल भी हैं जिनको बोलते हैं व्यक्तिगत। जैसे आप देखिएगा, जैसे देखिएगा ये कैसा है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत यानी देखो ये नाम है सिफत कौर समरा, इन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड जीता है। पर्सनल, पर्सनल का मतलब हम अकेले खेल रहे हैं। और ये क्या जैसे लिखा शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल, इसमें पूरी टीम है, पूरी टीम के जो है वो पॉइंट जो है काउंट होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं भैया इनकी, इन्होंने क्या किया था 4, 6, 9.6 पॉइंट हासिल किए, इतने पॉइंट, और साथ में एक इस बात का क्या बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। तो दो बातें हो सकती है, एक तो ये, हालांकि तरतीब नहीं पूछा जाएगा, हमें ऐसा लगता है कि साहब पहला व्यक्तिगत स्वर्ण किसने जीता, फर्स्ट इंडिविजुअली गोल्ड, हु रिसीव्ड द फर्स्ट इंडिविजुअली गोल्ड इन एशियन गेम्स 2020, दैट इज सिफत कौर समरा विद होल्डिंग ब्रेकिंग ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के साथ। और पॉइंट कितने 4, 6, 9.6 पॉइंट, इतने पॉइंट इन्होंने गेन किए। तो ये अब जितने भी नाम अभी लिखे हैं, इनके अलावा एक नाम और आया पलक गुलिया का, पलक गुलिया का नाम आता है, पलक गुलिया का नाम देखते हैं। पलक गुलिया ये देखिए ये 10 मीटर एयर पिस्टल में है, तो कुल मिला के व्यक्तिगत कितने होगा, एक ये एक ये, तो व्यक्तिगत जो है पर्सनल अब तक दो हो चुके हैं, दो, चलिए कहीं लिख देते हैं दो हो चुके हैं। बात करेंगे दूसरे की, अब आ जाइए स्क्वैश टीम आई है, शूटिंग टीम आई है, सब टीम है, स्क्वैश पहली बार आया था ठीक है, एथलेटिक में है। अब देखिए एथलेटिक में यह है अविनाश साबले, अविनाश साबले व्यक्तिगत हो गए, पुरुष गोला फेंक तजिंदर पाल सिंह तूर, तजिंदर पाल सिंह तूर अरे बड़े अनुभवी खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर, आपको लगभग हर गेम्स में इनका नाम सुनाई पड़ेगा, बड़े खिलाड़ी भाई। उसके बाद पारुल चौधरी, ये लड़की ने किया कमाल, पारुल चौधरी बड़ा काम इसने किया, यहां पे समझिएगा पारुल चौधरी ने एथलीट में यानी आपका स्टीपल चेज में बाधा दौड़ में गोल्ड जीता है, किसने, पारुल चौधरी ने। आप थोड़ा इनका समझिएगा, पारुल चौधरी की बात कर रहे हैं, ये जो पारुल चौधरी हैं, तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जीडी की, अगर जो लोग सुन रहे हैं या यूपी पुलिस, खास तौर से यूपी पुलिस, तो बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल रट लेना नाम किसका, पारुल चौधरी का रट लेना। और यही नहीं रटना कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टीपल चेज में 5000 में गोल्ड जीता, वो तो आई है, वो तो सामने लिखा है, लेकिन इनका जो गांव है उसका नाम याद रखना, ये मेरठ के, मेरठ में जगह है इकलौता या इकलूटा, कई नाम उसके आते हैं, इकलौता कर लो या इकलूटा, वहां की निवासी हैं। अब आप कहोगे सर जी अभी तक तो आपने अविनाश सांवले के लिए नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उनमें स्टेट के एथलीट जो अच्छा परफॉर्मेंस करके आते हैं उनका जिला पूछ लेते हैं, सुधा सिंह का पूछ चुके हैं, जीतू सिंह का पूछ चुके हैं, है ना, वंदना कटारिया जो हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं उनके विषय में पूछा जा चुका कि साहब कहाँ की ये रहने वाली है,
तो ये निश्चित तौर से पूछा जाता है, खास तौर से पुलिस की अगर कोई तैयारी कर रहा हो, और जो भी लोग इस वीडियो को देखें पुलिस वाले खास तौर से रट लेना, रट लेना पादुल चौधरी मेरठ में इकलौता, इकलौता या इकलूटा, इकलूटा भी अगर नाम है तो एक ही है, अब वो अलग अलग तरीके से नाम को पुकारते हैं आप जानते हैं, मेरठ पश्चिमी मेरठ हो गया आपका, सारंगी हो गया, शामली हो गया, सजना हो गया, है ना, बागपत हो गया, बड़ौत हो गया, ये आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां पे नाम अलग तरीके से दिया जाता है। तो ये दूसरा नाम आ जाओ, दूसरा नाम अन्नूरानी, अन्नूरानी ये भी कहां के निवासी हैं, ये भी निवासी हैं आपकी मेरठ की, कहां की भैया मेरठ की, और मेरठ में जगह है आपका बहादुरपुर, गोल्ड जीता है, भाला फेक जेवलिन थ्रो फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट एथलीट हू विन द गोल्ड मेडल एवर इन एशियन गेम्स, पहली ऐसी महिला खिलाड़ी खास तौर से जेवलिन थ्रो में, हालांकि ऐसी कहानियां कई सारी आई कि अपने गांव में अपने खेत में गन्ना से गन्ना फेंक फेंक के प्रैक्टिस करती थी, तो ठीक है इनके भाई भी लोग भी सपोर्ट किया, तो अन्नू रानी इन्होंने महिला भाला फेंक में गोल्ड जीता है, भारत की पहली महिला खिलाड़ी, और भाला फेंक जब से नीरज चोपड़ा जी आए हैं, अब आप देख ही रहोगे नीरज चोपड़ा जब से आए तो भाला फेंक बड़ा फेमस नाम हो गया, गेम तो कई दिनों से चल रहा है, ठीक है। तो अन्नूदानी, तो दोनों का नाम समझिएगा, पायल चौधरी मेरठ के इकलौता गांव की है, अन्नूदानी मेरठ के बहादुरपुर के, दोनों एक ही जिले की, सजना तहसील ब्लॉक पड़ता है इनका। अच्छा आपको एक चीज और बता दे, हमने पायल चौधरी का लाइव वो इंटरव्यू सुना था जब वो गोल्ड जीत के आए, तो उनसे पूछा गया कि गोल्ड की रेस लगाते समय आपके मन में क्या चल रहा था, तो देखिए कितना अच्छा जवाब दिया उसने, कहा कि यूपी सरकार की एक नीति है कि कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको पुलिस की नौकरी मिलती है, तो मेरे मन में यही चल रहा था, जैसे देखो सच्चाई होती, खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी हो गया या जो अपने देश के जवान होते हैं वो दिल के सच्चे होते हैं, बोल देते, उसने बोल दिया कि हम जिस समय दौड़ रहे थे मन में था कि अगर हम जीत गए तो क्या मिलेगी, पुलिस की नौकरी, और आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं चूंकि ये यूपी की है, प्लस इन दोनों को ही पुलिस में, दोनों की बात कर रहा हूं, मेरठ की लड़कियां दोनों पायल चौधरी अनुदानी, इन दोनों लोगों को ही पुलिस में पद मिला है डीएसपी का, मिल चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा मिल चुका है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसलिए भी पुलिस के लिए, पुलिस के हिसाब से ये क्वेश्चन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीरंदाजी महिला अपनी मिश्रित टीम पूरी टीम ने गेम किया, अब यहाँ आते हैं सबसे पहला जो हमने सिल्वर मेडल था उसी समय जीता था, नॉर्मन प्रिचार्ड एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे, उन्होंने दौड़ में जीता था, उसके बाद से एथलीट में हमने कोई गोल्ड नहीं जीता, हालांकि बीच में गोल्ड मिला है 2008 में, आपको याद होगा 2008 में अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में, लेकिन शूटिंग एथलीट में नहीं आती है, शूटिंग एथलीट में नहीं आती है, ठीक। तो उसमें गोल्ड जीता था, तो नीरज चोपड़ा तब से फेमस हो गए, नीरज चोपड़ा लौटे ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने इसी टीम में मतलब एशियन गेम्स में पिछली बार भी गोल्ड जीता था, पिछली बार नीरज बाबू हमारे जो है नीरज या वो भाला फेंके थे 88.06 मीटर पिछली बार का है भाई ये, इस बार का क्या है, इस बार का 4.88 यानी 88.88 मीटर अपने प्रदर्शन में लगातार इनका देख रहे हैं आप, लगातार दिन ब दिन, अभी इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, पिछली बार भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक, और ओलंपिक में ये जीत के ही आए हैं, ओलंपिक में आप जान रहे होंगे जीत के आए थे उस समय, उसके बाद ही सुपरस्टार या रॉक स्टार इनका उपनाम पड़ गया, हालांकि बाद में इनको पद्मश्री भी मिला था, भारत के राष्ट्रपति जी ने इनको पद्मश्री भी दिया था, सेना के हैं, सेना में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ये हो गया सेकेंड वाला, 18 तक हो चुके हैं,
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम जो व्यक्तिगत पर्सनल इंडिविजुअल जो मेडल्स हैं उनके विषय में ज्यादा बात कर रहे हैं। विषय में क्या बताएं, पता लगा एक टीम में 10 खिलाड़ी, हम कैसे बताएंगे, तो इसलिए उसको बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए सारे खिलाड़ी जो हैं वो जितने भी इधर दिख रहे हैं वो सभी आपके टीम है। ये हमारी तीरंदाजी में एक ये और ये ओजस प्रवीण दावले, ये दोनों लोग हो गए भैया आपके पर्सनल। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, अभी हमने वो भी गैप कर दिया, चलिए कुल मिला के कोई बात नहीं, तो 28 ये जो पूरे बोर्ड थे उनकी हमने बात आपसे कर ली। चलिए इसी में थोड़ा और देखिएगा, हम लोगों को वैसे तो गोल्ड कई सारे अलग अलग उसमें मिले हैं, सबसे ज्यादा अगर मेडल की बात करें सबसे ज्यादा, क्योंकि हो क्या रहा हमको टोटल 28 मेडल गोल्ड मिले हैं, तो हम अगर एथलीट की बात करें, एथलीट में एथलीट का मतलब आप समझिए, जैसे निशानेबाजी है, तीरंदाजी है, अब निशानेबाजी दौड़ दौड़ के तो लगाएंगे नहीं, एक जगह खड़े होकर लगाएंगे, तीरंदाजी आर्चरी है, एक जगह खड़े होकर करेंगे, तो जो भी गेम एक जगह रुक कर करते हैं वो एथलीट में नहीं आते। एथलीट में हमेशा वो गेम आते हैं जो ट्रैक एंड फील्ड पे होते हैं, जैसे स्टीपल चेज हो गया, जैसे दौड़ हो गई, भाला फेंक हो गया, इस तरह के गेम्स होते हैं। ठीक भाई, तो इसमें सबसे एथलीट में हमको जो गोल्ड मिले थे वो 6 मिले थे, और टोटल एथलीट में यहां समझिएगा गोल्ड कितने हैं, 6 तो 6 गोल्ड के साथ पदक मिले हैं 29 किसमें भैया, एथलीट में। तो मान लो कोई, हालांकि हमें तभी लिखाना चाहिए था, पूरे एशियन गेम्स चल रहे थे है ना, लेकिन चलिए यहां बता दिया। तो अगर कोई कह दे कि सबसे ज्यादा हमें मेडल किसमें मिल रहे हैं, तो एथलीट में, सबसे ज्यादा गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं है ना, सबसे ज्यादा गोल्ड की बात नहीं, अगर गोल्ड की बात करेंगे तो शूटिंग निशानेबाजी इसमें 7 गोल्ड के साथ। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं पदक मिले हमें कितने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, और जैसा दोनों को समझिए, कोई कह दे सबसे ज्यादा हमें मेडल किसमें मिले, तो आप बोलोगे साहब एथलेटिक में, एथलेटिक्स में 29, और कोई कह दे सबसे ज्यादा गोल्ड किसमें मिले, तो टोटल मेडल तो हमें एथलेटिक में मिल रहे हैं है ना, लेकिन अगर हमसे कह दे कि सबसे ज्यादा गोल्ड किसमें मिल रहे हैं, तो किसमें मिल रहे हैं, शूटिंग में, कितने, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। ठीक भाई, सब लोग समझ गए, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चनों की बात करते हैं। अब इसके क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 19वें एशियाई गेम्स की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था। अभी तो बताया भैया, नंबर एक पे कौन था, चाइना, नंबर दो पे कौन था, जापान, नंबर तीन पे कौन था, रिपब्लिक कोरिया, कोरिया कुछ भी कह दो, और चौथे नंबर पे कौन रहा, इंडिया। तो पहले का आंसर कितना भैया, सी। अगली बार क्वेश्चन जो हम कराएंगे उसमें आपको 10 सेकंड का समय देंगे, आप सोचिए मत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए आप लोग खुद ही देखिए, कह रहा है वेयर इज एशियन गेम्स 2023 ऑर्गेनाइज्ड 23-24। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन सब लोग कर ही चुके होंगे अब तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक, तो सब लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है, और इसके बाद कहां होना है, टोक्यो जापान में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है व्हाट वाज द ऑफिशियली मस्कट ऑफ 19th एशियन गेम्स, दैट इज चेंचे, लिखाया था मैंने, सेकंड इज कॉन्गकॉन्ग एंड थर्ड इज लियोन लियोन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, बिकॉज तीनों है। और देखिए उस समय हमने आपसे कहा था ये जो है फ्यूचर बताने वाले रोबोट हैं, इनकी तीनों की फोटो भी आपके सामने है, ये चेंचेन है, ये कॉन्गकॉन्ग है, और ये लियोन लियोन है, देख लीजिए ये चेंचेन है, कॉन्गकॉन्ग है, लियोन लियोन है, ये तीनों फ्यूचर बताने वाले रोबोट है। तो चलिए, तो इसका आंसर डी सबने लगाया होगा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है व्हाट पोजीशन है इंडिया हेल्ड इन द मेडल टेबल ऑफ द 19th एशियन गेम्स, हमें लग रहा है इसका हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इंडिया को ही लगा दिया है, देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा था, देखिए हमने उस समय इंडिया लगा दिया था है ना, हालांकि हमने बोला था चौथा
लेकिन हमें लगा इंडिया का पूछ रहे हैं, इसमें पूछा था कि कौन सा देश पहले स्थान पे, तो भाई चाइना होना चाहिए, है ना। वो हमने हमने इंडिया ये सोच के बताया था, हमें लगा इंडिया की पोजीशन पूछ रहा, ठीक। और इंडिया की पोजीशन देखिए यहां पूछा गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द मेडल टेबल ऑफ 19th एशियन गेम्स, चौथा, सबको मालूम। चलिए Who was the flag bearer of the Indian continent during the opening ceremony of the Asian Games 2023-22-23? Opening ceremony में कौन था? तो अभी हमने कहा था कौन? तो बताइए फिर आप लोग सामने, हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग देख के बताइए। चलिए आपने सोच लिया होगा, दो लोग थे, पहला हरमनप्रीत सिंह द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, और सेकंड लवलीना बॉक्सर है, एशियन ओलंपिक गेम्स में इन्होंने जो है पदक जीता था। इट मींस राइट आंसर इज सी, बोथ ऑफ द एबव, दोनों है, ठीक। और हमने ये भी कहा था ये तो ओपनिंग सेरेमनी है, आगे देखते हैं। हु वन द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन इंडियन एशियन गेम्स, फर्स्ट गोल्ड मेडल। अभी आप देखिए कि आपने जो हमने आपका वो मेडल टैली उसमें दिखाया था, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे सबसे पहले क्या था, मैन शूटिंग टीम। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेंस शूटिंग टीम। फर्स्ट मेडल किसको मिला था, मेंस शूटिंग टीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। चलिए देखिए समझिए, कह रहा है विच कंट्री वन द मोस्ट गोल्ड मेडल इन, समझ गए होंगे सब लोग, फिर भी 5 सेकंड के समय देख लीजिए, सब लोग समझ गए होंगे। तो इसमें मोस्ट गोल्ड मेडल आ जाए और गोल्ड अगर हटा लिया जाए मोस्ट मेडल आ जाए, दोनों का आंसर सेम है, दैट इज चाइना। ओके क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएंगे, कह रहा वेयर विल बी द 20th एशियन गेम्स 2000 हेल्ड। अब आप समझिएगा, हम आपसे पहले भी बता चुके हैं 18 वाला जो था वो हुआ था बिकॉज वो हुआ था 2018, और ये कहां हुआ था भैया, जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। अभी क्या हो रहा है, अभी 2023 वाला या 22 जो कह लो यार, बार बार वही बात कह रहा है, लेकिन ये हम बार बार इसलिए भी कह रहे हैं कि डोंट बी कंफ्यूज, ये भैया 9th जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में चल रहा है 19वां है, 22वां सॉरी ये 19वां है, ये जो लिखा है जापान वाला ये है आपका 20वां, ठीक। और 21वां कहां होगा ये भी आपको हम इसी में बता चुके हैं, 21वां। अभी 21वां क्या होगा, 20वां तो हो गया, तो 21वां हमने आपसे कहा था कतर की राजधानी कहां, दोहा। सब लटे रहिएगा कि 20वां कहां होगा, 21वां कहां होगा, 20वां कहां होगा, लटे रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब लोग कर ही लेंगे, या ये कह लो सिंपल है, या ये कह लो हमको अच्छे से जानकारी हो गई तो सिंपल लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई, देखिए एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई, तो शुरुआत हुई 1951 से, और फर्स्ट टाइम कहां हुए थे, तो फर्स्ट टाइम में कहां हुए थे भैया, इंडिया, भारत, इंडिया दैट इज भारत, वहीं पे हुए थे। और हमारा इसका जो इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और अभी हमने एक जगह आपसे कहा था कि सिंबल क्या है एशियन गेम्स का, तो हमने कहा था रेड ब्राइट सन, ये भैया रेड ब्राइट सन यही है ना, ये सिंबल भी इसका आ गया। तो चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स हैव एशियन गेम्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया सो फार, इन इंडिया सो फार। सिंपल सी बात है, राइट आंसर आप लोग जल्दी सोचो कितना, हाँ समझ गए होंगे सब लोग, जो भी लोग लाइव हैं या जो भी लोग बाद में देखेंगे, 2 1951 एंड 1982 में प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और यहां पे ज्ञानी जैल सिंह, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और 1982 में रही होंगी इंदिरा गांधी जी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच स्पोर्ट हैव बीन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. अब यहां पे समझिएगा, पहली बार किस गेम में भारत ने हिस्सा लिया है. तो हम आपको बता चुके हैं पहली बार किस में हिस्सा लिया था, क्रिकेट में. हालांकि क्रिकेट एशियन गेम्स में शामिल हुआ था कब, 2010 में. लेकिन इंडिया ये क्या था भैया, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा. चलिए आगे बढ़ते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. 12 की बात करते हैं. विच मेडल हैज द इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम वन द गोल्ड मेडल. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो गोल्ड मेडल. ठीक है, पहले बता चुके हैं, आगे बढ़ते हैं. कह रहा है विच कंपनी हैज बीन नेम एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंटल एशियन गेम्स, दैट इज अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. मालूम भी होगा सबको, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. ऑप्शन देखिए, लिखा अमूल, जियो, डिज्नी, सोनी, समझ जाएगा आपको. क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच स्पोर्ट्स हैज इंडिया वन द मोस्ट मेडल. मोस्ट मेडल, नॉट मोस्ट गोल्ड, मोस्ट मेडल. मोस्ट मेडल भैया, मोस्ट मेडल. अभी हमने आपसे बता रखा है कि मोस्ट मेडल की बात आएगी तो वो एथलीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एथलीट में. और आपसे हमने कहा था टोटल 29 है, मैंने कहा था 6 गोल्ड है, 14 जो है 14 आपके सिल्वर है और साथ में 9 ब्रॉन्ज है, टोटल 29 थे. तो चलिए आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 हो गया. 15, विच स्पोर्ट हैव बीन वन द मोस्ट गोल्ड मेडल. गोल्ड सबसे ज्यादा किसमें जीते, शूटिंग में कितने, 7. और शूटिंग में टोटल कितने मेडल थे, तो 22, सबको मालूम होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. कह रहा कि हु हैज बिकम द प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल ट्वाइस इन अ रो. ट्वाइस अभी मैंने आपसे कहा था, सोचो जल्दी से, 2 बार. अब वैसे भी नाम सबको रटा देता, क्या बताना. 2 बार, 2018 में भी जीता था नीरज चोपड़ा जी ने और 2022 में भी. तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा, इट मींस सी. अच्छा एक चीज और भी, ये एक नाम आया किशोर कुमार जेना, थोड़ा इनको भी समझ लीजिएगा. गोल्ड इन्होंने जीता था, ये भी मेडल जीत के आए थे. किशोर जेना जी उड़ीसा के हैं, ये उड़ीसा सरकार ने इनको 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है. और जैसे ओलंपिक होते हैं ना या कोई भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोटा हासिल करना, कि आप इतना कर लो तो आप अगले ओलंपिक में जाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे. तो इनको ये कोटा मिला था, इनका जो परफॉर्मेंस था तो उससे जो 2024 में आपके जो पेरिस में जो ओलंपिक होने हैं वहां का कोटा इनको मिला है, किशोर कुमार जेना को, उड़ीसा के हैं, 1.5 करोड़ रुपए इनको मिला भी है. लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था, नीरज चोपड़ा. अभी हमने आपको लिख के बताया था नीरज चोपड़ा के विषय में कि पिछली बार 2018 में इन्होंने 88.06 मीटर भाला फेंका था और 2022-23 हम 23 लिखे दे रहे इसमें जीता भाला 4x8 मीटर. कई इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा जी कह चुके हैं कि उनकी इच्छा है कि 90 मीटर तक भाला फेंके, 90 मीटर. और आप सोच रहे हो 90 मीटर कौन ज्यादा है, हैं? ज्यादा है, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर से गोल्ड या सिल्वर चेंज हो जाते हैं तो ज्यादा है, ठीक है ना. लेकिन ठीक है, नीरज चोपड़ा जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं या जैसी इनकी डेडिकेशन है या जैसी इनकी एज है उस हिसाब से अभी तो बहुत कुछ मिलेगा इनसे. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया है, अगर किसी को आता हो तो देख लो भाई, समझ लो, ठीक. तो ये भैया इसका, हाँ हाँ, अगर किसी को आता तो सोच लेना ना. हालांकि ये हमने आपको बताया नहीं था क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं. विच स्पोर्ट है इंडिया वन द गोल्ड मेडल आफ्टर 41 ईयर 1982 में. हमने अभी आपसे कहा था इंडिया 2 बार, कितनी बार, 2 बार, मतलब इंडिया में 2 बार हुआ है. तो ये 82 में जब हुआ था तब इंडिया ने जीता था, उसके 41 साल बाद जीता है. ये आपकी घुड़सवारी, क्या भैया, घुड़सवारी, ठीक है भैया. तो घुड़सवारी जो है इसमें हम लोग पहली बार जीते हैं. चलिए आते हैं आगे. 19th
which player has created a world record and won the gold medal in women's 50 meter three position rifle individual event in the 19th Asian Games. अभी तो बताया था, किसी को याद आया? क्यों भाई, अभी हमने कुछ देर पहले एक नाम लिया था बार बार, है ना, कि ये थी, एक मिनट, हाँ तो हमने कहा था भैया इनका नाम हमने आपसे बताया था, तो ये है ये, और हमने ये भी कहा था 469.6 इतना पॉइंट बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, ठीक है, ओलंपिक कोटा इनको ही मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 18th क्वेश्चन हो गया, 19th आ जाओ भैया। चाइना हैज बैंड द एंट्री ऑफ थ्री प्लेयर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, ये भैया बताया था हमने आपसे, ये हमारे तीनों खिलाड़ी थे और ये किस स्टेट के होंगे, अभी आपको हमने बता चुका, फिर भी अंदाजा लगा लीजिए जल्दी से, लगा लिया होगा सबने, तो ये कौन था भैया, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो, भैया जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, और कौन है ये, अन्नू दानी बार बार कह रहे हैं, अब इनको हम लोग ये भी कहते हैं, अब ये भी कह सकते हैं क्या पुलिस में, ये क्या हो गई, डीएसपी, डीएसपी अन्नू दानी जी, ठीक अन्नू दानी, और हमने आपसे कहा जिला मेरठ, स्टेट यूपी बहादुरपुर, एम आई नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद तहसील इनकी सधना पड़ती है, अगर हो तो, अब इतना मैं नहीं मालूम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 में आ जाओ भाई, कहला आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज, ये तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये 4 साल है सबको मालूम है। नेक्स्ट कहला एशियन गेम्स इज ऑर्गेनाइज इन विच ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन है भैया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, और इसी का जो आपका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो कहां पे है भैया, वो हेडक्वार्टर है आपका, आपका कुवैत सिटी, कुवैत सिटी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इज द लोगो ऑफ एशियन गेम्स, तो ब्राइट फुल राइजिंग सन, अभी तो आपको फोटो में दिखाई दी उसकी, तो चला गया। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, विच इज द लोगो ऑफ एशियन गेम्स, तो ब्राइट फुल राइजिंग सन, ये क्वेश्चन होगा। चलिए आगे देखते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द एशियन गेम्स, किसे कहा जाता है, तो अभी हमने आपको बताया था किसे कहा जाता है, तो ये कौन है भैया, गुरुदत्त सोनी साहब, हमने आपसे बताया था कि 1948 के जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक होते हैं उसमें इनका, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, वहीं से ये पास हुआ, वहीं से स्टार्टिंग हुई, तभी 51 में इंडिया में ही हो गया, गुरुदत्त सोनी। चलिए बस ये सारे क्वेश्चन थे, एशियन गेम से संबंधित क्वेश्चन भी करा दिए हमने आपको, और साथ में आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा, और जितने भी लोग भाई वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमने एक बार भी नहीं कहा, लेकिन जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, इससे संबंधित कोई डाउट हो या कोई बात हो, कोई आप अच्छा सा अपना कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक जो भी लोग जुड़े हैं, हो सकता है कुछ लोग जैसे प्लेलिस्ट में आ गया, दिख गया उनको या इस तरह से, तो अगर आप उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जल्दी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।